हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो चलिए फ्रेंड बात करते हैं कल जो मैच खेले जाने लगे। उससे पहले फ्रेंड आज की जो सुपर विनिंग हुई होगी सबकी, उसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो जीता हो प्लीज यार कमेंट करके जरूर बता देना, बहुत खुशी मिलेगी खुद से, ठीक है। बाकी मैं तो खैर हार गया एक मैच में, क्योंकि यार मैं यहाँ पर जो लगाया था जो मेलबर्न स्टार सीरीज जो दूसरा मैच लगाया था 3 मेंबर, इसमें मैं हार गया। यहाँ पर जो है इसके बंदे के पॉइंट ज़्यादा आ गए मेरे से। इसका रीज़न एक ही था क्योंकि मैं निक मैडिसन थे और मैंने यहाँ पर 519 पॉइंट आन किए। और यार मेरे को तो समझ में नहीं आता लोगों को, यार जो और यूट्यूबर है इनको कहाँ से मिल जाते इतने सस्ते बंदे। 400 कुछ पॉइंट पर जीते हुए यार, 425 या 430 पर आई थिंक बंदे क्लीन स्वीप मार रखे हैं और क्लीन स्वीप का मैसेज भेज रहे हैं। पता नहीं कैसे यार, भगवान जाने पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं, ढूंढ के लाते हैं। हमें तो यार ऐसे मिलते हैं भैया, और तभी हमारी टीम टॉप के होने के बाद भी फ्लॉप होती है। उम्मीद करता हूँ इस मैच में भी सबने अच्छा खासा वॉन किया होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि हमारी टीम थोड़ी रिस्की थी और अच्छा खासा हमने वॉन किया। नहीं सॉरी, मैंने कहा वॉन किया, वॉन तो अगर आप लोगों ने किया हो प्लीज यार इस मैच में, स्पेशली बिग बॉस के दूसरे में, तो प्लीज यार कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए बात करते जो मॉर्निंग में खेला गया था, मॉर्निंग में जो मैच खेला गया था इंडिया वाले में भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छा खासा वॉन किया हुआ, क्योंकि ये मैच तो मेरा यहाँ पर कैंसिल हो गया था। और पहला जो मैच था वुमेन्स का, इसमें हमने काफ़ी अच्छा खासा वॉन किया। ये देखिए हमने जो हेड टू हेड 3 में वाली जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दी थी उसी टीम से खेला था। तो बाकी मैंने आपको सेफ टीम भी मैंने बता दी थी कि किस टीम से आपको खेलना है, इसी टीम से मैंने खेला था और मैंने अच्छा खासा यहाँ पर वॉन किया। जब मैंने किया तो भैया आपने भी किया है, 100% तो लिख के दे सकता हूँ। तो प्लीज़ यार अच्छी विनिंग हुई है तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर कर देना एक अच्छी विनिंग के लिए, और हो सके तो स्क्रीनशॉट दे देना, मैं शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा इस चीज़ के लिए। चलिए अब बात करते हैं जो आज खेला जाने वाला है, यानी कल मॉर्निंग में जो मैच खेला जाएगा। पहला मैच खेला जाएगा जो वुमेन्स वाला जो मैच खेला जाएगा T20 का, इसकी वीडियो मैं देने वाला हूँ। इससे पहले एक मैच खेला जा रहा है CTB वाला जो है, वो मैं वहाँ पर ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो चलिए बात करते हैं टीम की। तो प्लीज़ यार फ्रेंड यहाँ से रिक्वेस्ट, आपसे ध्यान से सुनना आपके काम की चीज़ें, क्योंकि अब स्ट्रेटजी काम आती है और अपनी जो है रिस्क काम आता है। वो जमाना गया कि भैया हमें प्लेइंग 11 पता है कौन से खेलने वाले, तो वो टाइम गया फ्रेंड। अब थोड़ा यहाँ से ध्यान से सुनना, आप ही काम आएगा। लोग कहते हैं यार तो बहुत बातें करता है यार वो, मैं अपने लिए नहीं करता, आप लोगों के लिए करता हूँ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पर खुल के मिल सके। चलिए बात करते हैं टीम की। ग्राउंड वही है, कैनबेरा का ग्राउंड है, न्यूट्रल ग्राउंड है, काफ़ी अच्छा है। वैसे बैटिंग के लिए देखा जाए कुछ प्लेयर यहाँ पर स्कोर कर जाए, दोनों टीम से कोई ना कोई यहाँ प्लेयर कर जाएगा, जैसे आज भी हैदर नाइट ने हमें तो वन साइडेड वॉन करके दिया, क्या जबरदस्त खेली है बैटिंग में भी प्लस विकेट भी ले गई। तो चलिए बात करते हैं टीम की। टीम मैंने बना रखी है, डायरेक्टली आपको टीम एडिट करके दिखाऊंगा। उससे पहले फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट सबसे यार कि यार प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दो, और अपनी ऐसी विनिंग्स कंटिन्यू हमारे साथ बनाए रखें। एल्से एलियो और एमी जोन्स जो दोनों ही खेलने वाली हैं, जिसको आप लेना चाहते हो ले सकते हो, बट मैं एल्से एली के साथ जा रहा हूँ। एमी जोन्स का थोड़ा सा रियल बताओ, जो जो प्लेयर मैं आपको बताऊंगा ना, इनका थोड़ा रिकॉर्ड खराब है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पेशली, तो इसलिए मैं इन प्लेयर्स को एमी जोन्स दोनों ओपनर हैं ये मैंने छोड़ रखे हैं, एल्से एली को यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बट थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो कल हेड टू हेड 3 मेंबर लीग मिलने वाली है सबके पास दोनों के दोनों विकेट कीपर रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये मेरा रिस्क का सबसे पहला रिस्क मेरा स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। पहले प्लेयर से मैगलेनी को लिया हुआ, हैदर नाइट को लिया हुआ, टेमी ब्यूमंट को लिया हुआ, डेनियल वाट को मैंने छोड़ रखा, मेरा ये मेरा रिस्क। आप देख लिए फ्रेंड मेरे दोनों के दोनों ओपनर मैंने छोड़ रखे हैं, आप समझ सकते हो कि यार कितनी रिस्की टीम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपके पास रेचल हैनिस में भी खेल सकती है कल के, बट थोड़ा डाउन आएंगी काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए मैंने इनको नहीं लिया। अगर एसले गार्डनर भी खेलती है तो भी यहाँ पर मैगलेन हमारे काफ़ी अच्छे ऑप्शन होती है, क्योंकि वन डाउन या सेकंड डाउन यहाँ पर आ जाएंगी जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। बाकी और कोई खास ऑप्शन आप यहाँ पर है नहीं हेड टू हेड 3 मेंबर के लिए, बाकी लॉरेन फील्ड है ग्रैंडिंग में ट्राई करना कर सकते हो, बाकी आपकी मजे, बट मैं ग्रैंडिंग के लिए भी इनको आपको सजेस्ट नहीं करने वाला। अब बात करते हैं ऑलराउंडर में एल्सा पेरी को लिया हुआ है, स्काइबर को लिया हुआ है, कैथिन ब्रंट को लिया हुआ है, और यहाँ पर जैस जॉनसन को लिया हुआ है, ठीक है। लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पर इनमें से किसी ना किसी को मिस करेंगे, तो एसले गार्डनर या जैस जॉनसन, क्योंकि चारों को ले नहीं पाएंगे। चारों को लेना हम ले पा रहे हैं क्योंकि हम, अब मैं खुद अपने रिस्क से ले रहा हूँ इसलिए ले पा रहा हूँ। यहाँ पर लोग फंसेंगे एमी जॉनस के चक्कर में, और जो है दूसरा प्लेयर यहाँ पर डेनियल वाट के चक्कर में, क्योंकि इनको टेमी ब्यूमंट की जगह इस बार डेनियल वाट हो सकती है, अलग बात है, बट यहाँ पर जो है टेमी ब्यूमंट तो लगता है वैसे मिलनी चाहिए, क्योंकि हेड टू हेड में आज परफॉर्मेंस अच्छी रही, थोड़ा डाउन आई थी खेलने के लिए जरूर, बट परफॉर्मेंस पिच के हिसाब से काफ़ी अच्छी रही, और कल भी इनकी बैटिंग आएगी ये मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने इनके रिकॉर्ड्स देखे, रिकॉर्ड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर, मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर कोई खास ऑप्शन है नहीं आपके पास, एक एसले गार्डनर बचती है, इनको तो भैया चार ही ले सकते हैं, 4 से 5 तो अगर कोई है तो लेके दिखा दो, क्योंकि चार के अलावा ले नहीं सकता, बट और ये जो चारों के चारों में लेके बेस्ट ऑप्शन है, इनके अलावा
क्योंकि और कोई बेस्ट ऑप्शन है नहीं, ऐसे गार्डन है पर थोड़ा ऊपर आएंगे, बाकी देखेंगे टॉस के बाद क्या स्ट्रेटेजी बनती है, क्योंकि मैं यहाँ जैस जॉनसन की जगह जो है ट्राई कर लूँगा, ऐसे गार्डन के क्रेडिट पूरे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम पर टॉस होने के बाद। तो प्लीज़ यार चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दिया हो तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, ताकि आपको अपडेट टीम्स वहाँ पर हमारी मिल सके। चले बात करते हैं बॉलर्स में। बॉलर्स का सेक्शन आपको बता दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग के लिए, क्योंकि यहाँ पे कल प्लेयर्स जो खेलने वाले हैं उनको आपको बता दो कन्फ्यूजन काफ़ी होने वाली है, क्योंकि यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है इंग्लैंड की तरफ से एक चेंज मेरे हिसाब से हो सकता है, वो मैं आपको बता दें यहाँ पर कौन सा। ठीक है, मेगन स्कॉट को लिया हुआ और जॉर्जिया वरहम को लिया हुआ, दोनों का रिकॉर्ड जो है काफ़ी अच्छा है, स्पेशली इंग्लैंड के खिलाफ अच्छे विकेट्स लेती हैं। और कल की जो ये जो पिच है यहाँ पर आपने आज इंडिया वाले मैच में देखा भी होगा, इंडिया वुमेंस वाले मैच में देखा भी होगा किस तरह पर विकेट्स गिरी थी, तो ये दोनों हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग। बाकी यहाँ पर किमिंस और जो है सोफी मलिक यहाँ पर खेलने वाले हैं। अगर यहाँ पर ताइला खेलते तो मैं या तो जॉर्जिया वरहम को छोड़ के ताइला को रखूंगा, तो यही होगा, आपको टॉस के बाद पता चल जाएगा। बाद की बात कर ले इंग्लैंड की तरफ से समरसल ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बट सराह ग्लेन थोड़ी महंगी साबित हुई थी, थोड़ी क्या मतलब जितने उन्होंने बॉलिंग कराई थी उनसे थोड़ी महंगी साबित हुई थी। तो मे भी इंग्लैंड में पहला मैच हार गई, तो हो सकता है सराह ग्लेन को चेंज कर दे, सराह ग्लेन को चेंज करके या तो यहाँ से मे भी कैट क्रॉस आए, या फिर इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, और इन तीनों में से कोई भी आए ना, स्पेशली दो, ये दोनों में से अगर कोई भी आए तो मैं उसको जरूर रखूँगा फ्रेंड, आपको पहले ही बता दूँ, चाहे मुझे सोफी लेस्टन को ही अपनी टीम से बाहर निकालना पड़े, तो इन दोनों में से कोई भी आएगा मैं उनको जरूर रखूँगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट है ट्राई जरूर करना, क्योंकि ये दोनों की दोनों प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं और इन दोनों का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो यहाँ पे इनको भी अच्छी खासी विकेट्स मिलते हैं। तो ये है हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम, अगर आपको लगता हो ये टीम वन कर सकते हैं तभी इस टीम से जाना, अदरवाइज एक या दो चेंजेस कर लेना। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की। ग्रैंड लीग में फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एलिसा हेली, इनका तो रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, बट यहाँ पर जो है मैगलेनिंग जो है ना, मैगलेनिंग का बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है इंग्लैंड के खिलाफ। तो आप अगर ग्रैंड लीग में खेले तो यार मैगलेनिंग पर बहुत कम लोगों का ध्यान है, क्योंकि सब एल्सा पेरी, नटाली स्काइबर, हैदर नाइट, इन्हीं पर ध्यान जाने वाला है। तो आप जो है मैगलेनिंग को थोड़ा एक हट से अगर हटके ट्राई कर लो, एक से दो टीम में मैगलेनिंग वाला कॉम्बिनेशन बनाना, जिससे आपकी टीम जो थोड़ी अलग से रैंक कर सके। ठीक है, तो मैगलेनिंग का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, मैगलेनिंग का एज ए कैप्टन आप यूज कर सकते हो, स्पेशली तब जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर पहले बैटिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डैनियल वाट को तो मैं सजेस्ट करूँगा नहीं, मैं अपने हेड टू हेड थ्री मेंबर की लीग में नहीं रख रहा, तो उनको मैं सजेस्ट क्या करूँगा, बाकी आगे समझ सकते हैं चीज़ को। बाकी यहाँ पर एल्सा पेरी और मैगलेनिंग दोनों काफ़ी अच्छी हैं कैप्टन ग्रैंड लीग में भी, स्मॉल ग्रैंड लीग में भी काफ़ी अच्छी हैं। तो ऐसा भी कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो, काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए। अब यहाँ पर अगर खेलते तो यहाँ पर ताइला अगर मैं बता रहा हूँ, ताइला और किमिंस अगर खेलते तो मेगन स्कॉट तो मेरे हिसाब से मिस मत करना ग्रैंड लीग में भी, क्योंकि काफ़ी अच्छे ऑप्शन, इनका रिकॉर्ड हमेशा से ही जब जितने भी मैच खेलती हैं एक विकेट दो विकेट तीन विकेट यहाँ पे इनकी ले ही जाती हैं, तो जिस हिसाब से पीछे उस हिसाब से विकेट्स यहाँ पे मिल सकती हैं। और क्योंकि स्टार्टिंग में अगर विकेट्स गिरती हैं, जैसे मैंने अपने हिसाब से मैंने टीम बना रखी है, क्योंकि मैंने दोनों के दोनों ओपनर मिस कर रखे, तो उस टाइम बॉलिंग मेगन स्कॉट करने वाली है, तो मे भी यहाँ पे इनको विकेट मिल जाए। तो ये स्ट्रेटेजी है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। तो बाकी यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ और मैं यहाँ पे विड्रॉल करने वाला हूँ आपके सामने, यहाँ पे भी तुम्हारे सामने ही विड्रॉल लगाऊंगा, अब देखते हैं इसका विड्रॉल कब तक आता है, वैसा आ जाएगा कल दिन में तक आ जाएगा, बट जैसे ही आएगा मैं आपको कल की वीडियो में दिखा दूंगा कि यहाँ पे इतना विड्रॉल आया है। ठीक है, हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में कैप्टन मेरे एल्सा पेरी रहने, वाइस कैप्टन मैं नटाली स्काइबर के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, बॉलिंग भी करती है, प्लस यहाँ पर बैटिंग में भी टॉप ऑर्डर पाते हैं, जैसे आज भी आपने देखा होगा, हालांकि स्कोर नहीं कर गई वो अलग बात है, बट यहाँ पर जो है टॉप ऑर्डर में। और कल के आपको बता दूँ अधिकतर लोग यहाँ पर जो हैदर नाइट पर फिदा होने वाले हैं, आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है, हैदर नाइट यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन ना बल्कि वाइस कैप्टन तो जरूर नहीं, क्योंकि एल्सा पेरी के साथ अधिकतर लोग कैप्टन जाएंगे और जाने भी चाहिए, क्योंकि प्लेयर काफ़ी अच्छे विकेट्स भी यहाँ पर अच्छी खासी ले जाती हैं। ठीक है, तो वाइस कैप्टन तो आपको जरूर हैदर नाइट यहाँ पर अधिकतर लोग कल की मैच में मिलने वाली हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें जैसे यहाँ पर जो मेरे पुराने व्यूअर्स उनको पता ही है कि मैं किस हिसाब से अपनी टीम से यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो ये रहेगी हमारी टीम हेड टू हेड थ्री मेंबर की टीम, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड इस टीम से तभी जाना जब आप सेटिस्फाइड हो। चलिए अब बात करते हैं विड्रॉल की। विड्रॉल यहाँ पर कर लेते हैं, जब आपके सामने मैं यहाँ पर विड्रॉल लगाता हूँ, यहाँ पर फ्रेंड मेरे 2900 रुपये है, मैं इसका विड्रॉल लगा रहा हूँ आपके सामने, 2000 रुपये केवल 2000 का लगाऊंगा आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे इसका प्रूफ मिलता है, पैसा मिलता है नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर कन्फ्यूज है कि इसका पैसा मिलता है नहीं मिलता, काफ़ी अच्छी ट्रस्टेड ऐप है या नहीं है, तो मैं इसका विड्रॉल आपको लगा के दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 2000 का विड्रॉल लगा दिया है आपके सामने, अब यहाँ पर मेरे केवल 900 रुपये बचे, अब देखते हैं ये कब तक आता है। ठीक है, कल दिन में ही आ जाएगा मुझे पता है इसका, बाकी अगर इस ऐप पर खेलना चाहते हो ट्रस्टेड ऐप है, काफ़ी अच्छी ऐप है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही में रेफरल कोड मिलेगा, तो रेफरल कोड जरूर यूज करना। तो चलिए फ्रेंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।